हेलो दोस्तों, आपका अरविंद सैनी प्लांट नर्सरी में स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको कलिडियम के बारे में बताऊंगा कि इसकी केयर कैसे होती है, कि ये होता कहाँ है, इंडोर होता है या आउटडोर होता है, और इसकी काफ़ी ज़्यादा वैरायटियां होती हैं। तो दोस्तों मैं चाहूँगा कि वीडियो चालू होने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें और अपने फ्रेंडों में, दोस्तों में आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों एक कलेडियम है, इसकी देखिए आज तो मैं सबसे पहले इसकी वैरायटियां दिखाता हूँ कि मेरे पास कौन कौन सी वैरायटी हैं। देखिए एक तो ये पिंक वाली वैरायटी है और ये काफ़ी अच्छा भरा रहता है। देखिए और एक वैरायटी है ये भी काफ़ी अच्छी वैरायटी है और लगता भी बहुत प्यारा है। ये देखिए, और देखिए दोस्तों एक वैरायटी कलेडियम की ये भी है ग्रीन, ये देखिए, और एक वैरायटी है ये पिंक वाइट। और बाकी मेरे पास कुछ ये रखे हुए हैं। दोस्तों कलेडियम की हम बात करेंगे, कलेडियम को जो है ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं होती है। इसको हम ऐसी जगह रखेंगे कि जहाँ इसको थोड़ी छाया मिल पाए, 30-40% धूप मिल जाए इसको। अगर आधी धूप आधी छाया आती है वहाँ पर भी हो जाता है। पानी इसको कम चाहिए होगा और इसको ऐसी जगह रखें कि कम से कम धूप आए, घंटे दो घंटे धूप आ जाए रोज़, वहाँ रख सकते हैं या इसको हम बरामदे में रख सकते हैं। ये सिर्फ कोई प्लांट है आपका झदरा काफ़ी फैला हुआ उसके नीचे रख सकते हैं, या दीवार है कि जहाँ धूप नहीं आती है, रोशनी पूरे दिन रहती है, वहाँ रख सकते हैं। पानी इसको कम से कम चाहिए होता है। और इसकी मिट्टी की हम बात करेंगे तो इसकी मिट्टी में हमने कोकोपेट, वर्मिंग कंपोस्ट, गोबर खाद, मिट्टी और नीम खली मिला रखी है। तो देखिए दोस्तों हमारी यहाँ मिट्टी जो है इसकी बहुत मुलायम रहती है, ये देखिए। और हम लोग इसको पानी डालते हैं तो ज़्यादा दलदल भी नहीं बनता है। जैसे कि अगर आप खाली खेत की मिट्टी में या किसी भी मिट्टी में लगाते हैं तो पानी डालते हैं तो घंटे दो घंटे बहुत दलदल सा गील सा रहता है। इसको हम तीनों चारों मिक्स अगर हम कर देते हैं, जैसे वर्मिंग कंपोस्ट और आपका जैसे गोबर खाद, कोकोपेट, मिट्टी, तीन चार वैरायटियाँ, और आपको रेत मिल जाए महीन वाला पतला वाला, तो आप रेत भी नदी वाला जो है मिला सकते हैं। रेत जो है मिट्टी को सूखा रखेगा, खुशक रखेगा, उसमें जड़े पौधे की काफ़ी अच्छी रहेंगी, उसमें जो है आपका दीमक वगैरह भी नहीं लगेगी। अगर इसमें पानी जमा नहीं रहेगा, गील ज़्यादा नहीं रहेगी, प्लांट भी आपका नहीं मरेगा। लेकिन इसको डार्क धूप से थोड़ा बचा के रखें, सनलाइट में रखें। ज़्यादा डार्क धूप से इसको बचा के रखें, इसको जो है आप थोड़ा छाया में ही रखें, डार्क इंडोर भी ना रखें, बरामदे में हो जाएगा। दीवार वगैरह की जैसे जहाँ आपकी छाया ज़्यादा रहती है, रोशनी मिलती है, धूप नहीं पड़ती है, वहाँ इसको रख सकते हैं। और इसको पानी की कम से कम ज़रूरत होती है। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें और मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आगे दोस्तों में शेयर करें।